मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह अगस्त का पहला भाग। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संसिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रह नक्षत्रों का खेल इस अगस्त के प्रथम भाव में कैसा रहने वाला है आपके लिए, ये आपको समझ लेना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और इस वक्त शुक्र के साथ बड़ा विचित्र प्रकार का उनका योग चल रहा है और शुक्र महाराज के इस वक्त ग्रहों का योगायोग चल रहा है। शुक्र का जो स्थिति चल रही है बड़ी विचित्र चल रही है, कभी अस्त हो रहे हैं, कभी वक्री हो रहे हैं, कभी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं और जो ये योग बना रहे हैं ये शुक्र बुध को भी प्रभावित कर रहे हैं, आपकी राशि को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो समझ लें शुक्र जो है वो भोग का, विलास का, आनंद का, कूटनीति का स्वामी है, बुध के साथ योग बना रहा है और उनकी स्थिति बड़ी डामाडोल चल रही है। ऐसे में उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या होने वाला है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इस अगस्त के प्रथम भाग में आपके साथ क्या कुछ होने के योग हैं, उसके अनुसार से कैसे आपको उपाय करने हैं और कैसे जीवन में परिवर्तन लाने का योग बना रहा है। तो मिथुन राशि वालों, सबसे पहले ये समझो कि 1 अगस्त को ग्रहों का योग आयोग क्या कहता है। तो 1 अगस्त वालों के दिन, विशेष तौर पर उस दिन सावन के अधिक मास की पूर्णिमा है, मंगलवार का अवसर है और ग्रहों को योग आयोग देखते हुए आपके लिए दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। चंद्रमा आपके लिए थोड़ा अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और वो चंद्रमा अष्टम भाव में जब गोचर करते हैं तो थोड़ा सा कष्ट देने के योग देते हैं। सामने उनका धन का भाव अपना है और चंद्रमा खुद शीर्ण है। अष्टम भाव के चंद्रमा आमतौर पर गोचर में थोड़े शीर्ण माने जाते हैं और ऐसे में थोड़ा सा उपाय करने की ज़रूरत है। सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, पूर्णिमा का देवसर है, चंद्रमा के निमित्त ओम शांग श्रीं शौं से चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जप करें। विशेष तौर पर आप दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, ये सारे उपाय करके लाभ ले सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, उस दिन भद्रा विद्यमान है जो सुबह दोपहर को करीब करीब 1:57 तक रहेगी, तो उस समय से बचते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। नए विचार, नए योजनाएं, नए कार्यों को, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना उस समय पर 1:57 से पहले पहले काम करना, उन पर शुरू करना ये थोड़ा हानिकारक हो सकता है, आगे जाकर विघ्न उत्पन्न करने के योग देता है। तो ऐसे में भद्रा के बाद ही कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 1:57 तक भद्रा रहेगी, उसके बाद करिए, लाभ होगा। सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, समस्त ग्रहों का उपचार अपने आप होगा, लाभ के प्रयोग बनेंगे। 2 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है, प्रतिपदा है, सावन के अधिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रहेगी और ग्रहों का योगायोग आपके हिसाब से यदि हम देखें धनु राशि वालों के लिए थोड़ी मन में दुविधा उत्पन्न करता है। हाना की स्थिति आपके लिए कष्टमय हो सकती है। यदि विचारों को दृढ़ रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत शुभ होगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं राइज करना है, हाना में नहीं फंसना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। शनि महाराज भाग्य में जाके बैठे हैं वक्र स्थिति में, भाग्य को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान कभी शंकर का विशेष तौर पर बिल्वपत्र अर्पित करते हुए उनका पूजन करना चाहिए, यह आपके समस्त कष्टों को दूर करेगा, लाभ के योग बनाएगा, आगे बढ़ने के अवसर देगा। यदि 3 तारीख की बात करें, 3 अगस्त को बृहस्पतिवार का अवसर है और उस दिन द्वितीया तिथि है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, ये परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। सूर्योदय से पहले पहले जो महाराज चंद्रमा है वो परिवर्तन करके कुंभ में चले जाएंगे, भाग्य में चले जाएंगे और बहुत सुंदर आपके लिए योग बनेंगे शनि के साथ बनाकर, और वहीं शुक्र जो है वो अस्त हो जाएंगे वक्र स्थिति में। ये आपके लिए थोड़ा कष्ट में दिखाई देता है कि पराक्रम भाव में जाकर सामने बिल्कुल चंद्रमा के सामने शुक्र का अस्त हो जाना, ये कहीं ना कहीं व्यावसायिक बुद्धि में परिवर्तन लाने के योग देता है, जीवन साथी के लिए भारी हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जो भी विचार कर रहे हैं क्लैश में ना फंसें, शांति के साथ समझाते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग शेयर मार्केट काम कर रहे हैं, बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, उन सबको ध्यान रखना चाहिए। फॉरवर्डिंग बिजनेस करने वाले, शेयर मार्केट में काम करने वाले, जो विशेष तौर पर गुड लिविंग से जुड़े हुए काम करने, इंडस्ट्री से संबंधित काम करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में शुक्र का उपाय करते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, अन्यथा कष्ट हो सकता है। जो सोने का, चांदी का, रुई का, कपास का, विशेष तौर पर बर्तनों का और साथ साथ आप धने विशेष तौर पर अन्न इत्यादि काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय थोड़ा भारी रहेगा। शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन आने के योग दिखाई देते हैं। फॉरवर्डिंग बिजनेस जो कर रहे हैं उनको भी कुछ आपकी राशि संबंधी लोगों को नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं, सावधान होकर काम करना चाहिए आपको। गौ सेवा करने से कष्ट दूर होंगे। अब बात कर लेते हैं 4 तारीख की, शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि, ये विशेष तौर पर मासिक गणेश चतुर्थी का अवसर है और भगवान गणेश का स्तवन करते हुए, ध्यान करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है और इस दिन सुबह 12:45 तक भद्रा भी विद्यमान है,
तो ऐसे में नए प्रोजेक्ट हाथ में लेना 12:45 तक कष्ट का योग बनाने वाला है, विघ्न को देने वाला है, असफलता को देने वाला है। 12:45 पर नए प्रोजेक्ट्स पे हाथ डालना, नए कार्य करना, वो आपके लिए ठीक रहेगा। उससे पहले पहले ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय के तौर पर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि आप भगवान गणेश का ध्यान करें, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, आपके विघ्न दूर होंगे। 5 तारीख की ग्रह गणना हम समझें तो उस दिन शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, उसके बाद पंचमी तिथि का आगमन हो जाएगा और ग्रहों की स्थिति परिवर्तन की तरफ जा रही है और ये परिवर्तन आपके लिए सफलता की सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। सावधान होते हुए कार्य करें तो बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे। और ग्रह आपके लिए अच्छे बने हुए हैं लेकिन दुविधा मन में चल रही है, करें ना करें, अरे कर लीजिए, कहीं सोचने विचारने की जरूरत नहीं, आगे बढ़िए, पैर आगे बढ़ाइए और उसको कहीं रोकिए मत। बीच में आगे बढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा ही होगा, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। बस ध्यान क्या रखना है, जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करना है। जीवन साथी यदि रुष्ट हुआ तो आपको नुकसान हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और पॉजिटिव सोचते हुए कार्य करना है, नेगेटिव सोचते हुए कार्य नहीं करना है। बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, व्हाट्सएप पर लिख के भेज देते हैं, हमारी तो शादी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, जिनकी शादी हुई उनके लिए उपाय बता रहे हैं, जो नहीं शादी हुई है उनके लिए एक और रास्ता बता रहे हैं। पॉजिटिव रहिए, रोइए मत, पॉजिटिव होकर काम करिए। ग्रह दिखा रहा है कि लाभ देगा, सफलता देगा, लेकिन नेगेटिव फीलिंग रखोगे तो नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। वहीं 6 तारीख की ग्रह गणना हम देखें तो 6 तारीख को रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसके बाद षष्ठी आ जाएगी, लेकिन षष्ठी हो रही है शय, तो नए कार्य करने के लिए अच्छा दिन नहीं है, मुहूर्त के लिए अच्छा दिन नहीं है, तो नए कार्य को निषेध करते हुए कार्य करना चाहिए। नया कार्य, नया आरंभ करना ठीक नहीं, वैसे ही मलमास चल रहा है, नए मुहूर्त अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करें। एक और भी बात है, उस दिन रेवती नक्षत्र विद्यमान है, 6 तारीख को रेवती है, 7 तारीख को अश्विनी नक्षत्र है, दोनों गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी जातक यदि आपके घर में जन्म ले रहा है, कोई बच्चा जन्म ले रहा है, लड़का या लड़की, उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, नहीं तो वो मूल शांति नहीं कराएंगे तो बच्चा स्वयं के लिए भी परिवार के लिए भारी रहेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने चाहिए। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं, आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त होंगे, तो इसलिए निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ते हुए कार्य करें। हो सके तो भगवान सूर्य को अर्घ दें, हर रोज़ सूर्य का उपाय करें। सूर्य आपके सबसे अच्छे चल रहे हैं इस वक्त और सूचना दे रहे हैं कि यदि आप नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ देंगे 15-16 अक्टूबर तक, अगस्त तक, तो बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ दें और साथ साथ पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना सोचें, बुरी बात ना सोचें, यदि बुरा सोचेंगे तो बुरा हो जाएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। डेफिनेटली ग्रहों का योगायोग इस प्रकार का चल रहा है, तो अच्छी बात सोचिए और लग जाइए, नेगेटिव बात दिमाग में आने ही मत दीजिए। कोई बोल भी रहा है तो बोले छोड़ दो भैया, हमारे साथ अच्छा होगा, हम पुण्यदायक, हमने किसी का नुकसान नहीं किया, यदि ये भाव आ गया तो 15-16 अगस्त तक के लिए समय अनुकूल है आपके लिए, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं आप। वहीं हम बात कर लेते हैं 7 अगस्त की, तो 7 अगस्त को सोमवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन बहुत शुभ शुभ है आपके लिए। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग हो रहा है गोचर के अंदर, ये धन आगमन की सूचना दे रहा है, तो इसलिए चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, बहुत सुंदर आपके लिए योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुक्र महाराज जो हैं वो आपके लिए सूर्य के साथ द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो ये थोड़ा सा कष्ट दिखाई देता है कि सूर्य शुक्र का सूर्य के साथ अस्त होकर चले जाना, वक्र स्थिति में जाना, ये कहीं ना कहीं ध्यान देने योग दिखाई देती है। बात ध्यान रखते हुए कार्य करें तो शुक्र के निमित्त कन्या पूजन करें, सम्मान करें और साथ गौ पूजन करें, ये सब करेंगे तो कल्याणकारी योग बनेंगे। और इस शुभ योग में सोमवार का अवसर, सावन का अधिक मास, बहुत सुंदर योग। वहीं 8 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है और साथ साथ सावन के महीना चल रहा है, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शंकर के लिए बड़ी प्रशस्त मानी जाती है, शिव का ध्यान करने के लिए कालाष्टमी बोला जाता है इसको, क्योंकि अष्टमी के दिन ही भगवान का शिवलिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था और उस दिन विशेष तौर पर भगवान भैरव की पूजा करने का शास्त्र में, काल भैरव का पूजन करने का विधान शास्त्र में बताया गया है। तो इसलिए सावन के महीने के अधिक मास में जो अष्टमी जो आई है, ये भगवान शिव के निमित्त बहुत सुंदर है। मंगलवार है तो हनुमान जी के लिए भी तिथि है, तो आपके लिए ग्रहों का योगायोग शुभ बना हुआ है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, सुंदर ग्रह चल रहे हैं, केवल आपको अपने विचार को पॉजिटिव रखते हुए कार्य करना है। 9 तारीख को ग्रहों गणना दिखाती है कि बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं ग्रह, लेकिन आपके लिए थोड़े भारी दिखाई देते हैं, खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी कार्य नए कर रहे हैं, अननेसेसरी के काम कर रहे हैं, उनको हटाने का प्रयास कीजिए, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें खर्चे ना बढ़ जाएं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नया कार्य शुरुआत करने के लिए मुहूर्त बना हुआ है, लेकिन
जो भी कार्य करना है लविशली खर्च नहीं करना है, सोच समझ के खर्च करने का प्रयास कीजिएगा। खर्चों का ग्राफ बढ़ सकता है, बेनता बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। और साथ साथ जो भी कार्य करें रूल्स में करने का प्रयास करें, रूल ना तोड़ें अन्यथा पकड़े जा सकते हैं और जुर्माना पड़ सकता है। वहीं 10 तारीख को भी ग्रह इसी प्रकार की इशारा कर रहे हैं, तो इन दोनों स्थितियों में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। यदि करेंगे तो कष्ट नहीं होंगे। धन्यवाद।